कहानियां सभी की बहुत पावरफुल होती है, बस कुछ लोगों की कहानी को मूवीज में नहीं दिखाया जाता। असल में यार हम लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल जिंदगी जीते हैं और जी रहे हैं। हम पर क्या बीत रही है इसका अंदाजा सामने वाला कभी नहीं लगा सकता, पर जो उस पर बीत रही है उसका अंदाजा भी हम कभी नहीं लगा सकते। हम में से ज्यादातर लोग ओवरथिंकिंग का शिकार है। ओवरथिंकिंग जिसको कोई मेडिसिन ठीक नहीं कर सकती। ओवरथिंकिंग जिसके होने से कई रिश्ते टूट जाते हैं, जिसके होने से हम अंदर से खाली हो जाते हैं। ओवरथिंकिंग एक ऐसी शिकारी है जिसका शिकार हम रोज बन रहे होते हैं, पर हकीकत में ये बस एक चींटी की तरह होती है जो कहीं कान में चली जाए तो बहुत परेशान तो करती है, मगर इसे मारना उतना ही ज्यादा आसान होता है जितनी ये छोटी है। ओवरथिंकिंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो हमें कुछ करने ही नहीं देती, बस बात इतनी है कि हम खुद को पूरी तरह इसके हाथों में दे देते हैं तो ये जैसा चाहे हमें घुमाती रहती है। ओवरथिंकिंग से बचने के बहुत ही इजी वे मैं आपको बताने वाला हूँ। इन्हें खुद पर लागू करो और अपने आप को किसी भी जगह से निकालने में अपनी मदद करो। बस आप जुड़े रहिए इस वीडियो में आखिरी तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, अपने आप को उन थॉट्स के पास जाने ही मत दो जो आपको दुखी कर रहे हैं। असल में यार हम लोग बार 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 उन्हीं बातों को सोच रहे होते हैं जो हमें अपने पास बुलाकर हमें हर्ट कर रही होती है। आपको उन बातों को सोचना जिनसे आप हर्ट हो रहे हो, ये चीज आपको अंदर से कमजोर बनाती है। वो जो हो रहा है अगर वो सही नहीं है तो छोड़ दो उसे, वैसे ही क्यों उसे सोच रहे हो। हमें बस उन चीजों को फॉलो करना है जो रियल में हमारी हेल्प करती है, हमें खुश रखती है, जो हमें सुकून देती है। अब आप अपना दिमाग किसी जरूरी चीज में ना लगाकर इन बातों में लगाए रखोगे तो हर्ट तो होगे ही, इसलिए अपने थॉट्स के काबू में मत आओ, उन्हें अपने काबू में रखो। इसके बाद है, कई लोगों की बातों को हद से ज्यादा सीरियस ले लेते हैं, मतलब उनकी बातों को इतना ज्यादा दिल पर ले लेते हैं कि कई महीनों तक उस इंसान को उसी बात से याद रखते हैं, जबकि आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए यार, बिल्कुल इजी रखो सब कुछ। अब मानो आप किसी को गिफ्ट देने गए, आपने किसी के लिए दिल से कुछ लिया पर उस शख्स को वो पसंद ही नहीं आया और उसने वो आपसे लिया ही नहीं, उसने आपको मना कर दिया कि मुझे ये चाहिए ही नहीं, तो ये गिफ्ट आपका आपके पास ही रहा। इसी तरह आपको किसी ने कुछ उल्टा बोला तो आप अपने ही मन में ये एक्सेप्ट कर लो कि आपको ये चीज चाहिए ही नहीं, तो वो उसी के पास रही ना कि आपको चोट पहुंचाई। तो चीजों को इजी लो, चिल करो लाइफ में और आगे बढ़ो। इसके बाद है, नेचर के साथ भागना सीखो, वक्त के साथ बदलना सीखो। कुछ भी चीज अपने मन में, अपने दिल दिमाग में मत रखो। वक्त के पास बहुत सी चीजों का जवाब है। आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं, ये सब कुछ कहीं ना कहीं नोट होता रहता है। आपके साथ कैसा हुआ, आपके साथ किसी ने क्या किया, आपने किसी का क्या किया और आप कैसे हो कैसे नहीं, हर एक चीज कहीं ना कहीं नोट होती रहती है। हमारे आगे हमारी की गई चीजें आती जरूर है, तभी कहा जाता है कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती। करना नहीं छोड़ना चाहिए, मूव ऑन करो, कुछ भी दिल में मत रखो। ये सब बातें आपने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी और ये ही हकीकत है। ये सब एक्चुअल में होता जरूर है, तो जितना हो सके आपके हाथ में जो नहीं है उसे वक्त पर डालना सीखो। इसके बाद है, अपने आप को कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में बिजी रखो। आपका खाली रहना आपको उन बातों को सोचने का मौका देता है जो आपको कहीं ना कहीं बुरी लगती ही है, तो खुद को कभी खाली मत रखो, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में बिजी रखो। चाहे आपका दिल का कोई काम हो, चाहे आपको लाइफ में कोई चीज करनी हो, चाहे आपको कोई न्यू चीज सीखनी हो, चाहे आपका इंटरेस्ट किसी चीज में जाग गया हो, उस काम को करो और खुद को उस काम को दे दो। आपका खुद को बिजी रखना आपको हमेशा आगे बढ़ने का और खुश रहने का मौका देता है, तो जितना हो सके इन सभी बातों पर काम करो। तो दोस्तों आई होप आपको ये बातें ओवरथिंकिंग से बाहर आने में मदद करेगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही मोटिवेशनल बातों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और इसके साथ ही इंस्टाग्राम पर मुझसे अभी जुड़िए, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।